दोस्तों ये है माइक्रोमैक्स का 32 इंच एलईडी और मॉडल है 32 ग्रैंड। इसमें आज हम सर्विस मोड यानी फैक्ट्री सेटिंग ओपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये है रिमोट माइक्रोमैक्स का, सेट को ऑन करते हैं। स्टैंड बाय है, मैं है। सेट ऑन हुआ, पहले हम प्रेस करेंगे रिमोट से मेनू, और मेनू जैसे स्क्रीन पे आया और उसके बाद में प्रेस करेंगे 1147। जैसे एक कोड प्रेस करने के बाद ये सर्विस लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर में देखिए लिखा है फैक्ट्री हॉट की, ये ऑफ है। अगर ये ऑन होता तो क्या होता देख लेते हैं। ऑन कर दिया हमने और फिर सर्विस मोड को एग्जिट करते हैं। देखिए इसमें सॉफ्टवेयर डिटेल्स वर्सन सब आपके सामने ब्लिंक कर रहे हैं। और फिर से हम सर्विस मोड ओपन करते हैं और बाद में जनरल सेटिंग्स, इसमें एलबीडीएस मैप, लोगो ऑन ऑफ, एलबीडीएस स्विंग, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और ये पावर, अगर आपने पावर ऑन कर दिया तो सेट में लाइन देते ही सेट खुद ही ऑन हो जाएगा। ये पिक्चर मेनू है, पिक्चर सेटिंग, बैकलाइट, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर वर्सन को दिखाएगा और सॉफ्टवेयर नेम को भी दिखाएगा। सॉफ्टवेयर फाइल का क्या नाम होगा, टारगेट नेम, और आप इस ऑप्शन से आप USB यानी पेनड्राइव से सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे जाके आप सेट को रीसेट कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी आए तो इस ऑप्शन के जाके ओके कर देना और सेट खुद ही रीसेट हो जाएगा। ठीक है, यानी साउंड में कोई प्रॉब्लम यानी पिक्चर में कोई प्रॉब्लम आया तो इस ऑप्शन का ज़रूरत है। सेट ऑन हो चुका है और कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। सेट ऑन होने के बाद हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।